न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीजेपी के भारी शोर के बीच रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चिरंजीव राव को हर गांव से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे अब यह कहा जा सकता है कि हमारी जीत अब सुनिश्चित हो गई है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह कहना है खुद कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव का, जो आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत क्षेत्र के गांव खलियावास, तीतरपुर, रसगन, मसानी, डूंगरवास व निखरी सहित विभिन्न गांवों का तूफानी दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव द्वारा पिछले 25 सालों में कराए गए विकास कार्यों के नाम पर लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी ने जो उम्मीदवार रेवाड़ी सीट से उतारा है वह बाहरी व्यक्ति है और उसका इस क्षेत्र से कोई लेना देना तक नहीं है। उन्होंने कहा कि इन दिनों पूरा देश मंदी की मार झेल रहा है, जिसके चलते आए दिन बड़े बड़े उद्योग ठप होने की कगार पर हैं और कुछ उद्योग तो बंद तक हो गए हैं। ऐसे में युवाओं का रोजगार बेरोजगार होना स्वाभाविक है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचते ही उनकी प्राथमिकता होगी कि क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार दिलाया जाए। जहां तक बीजेपी के 75 पार वाले नारे का सवाल है, तो बीजेपी 75 पार नहीं बल्कि अब सत्ता से बाहर होगी। इतना ही नहीं, जिस गांव में चिरंजीव राव जा रहे हैं वहां के ग्रामीण भी पूरी तरह उनके समर्थन में बोलने को तैयार हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। आज जीतपुरा गांव में हमारा पहला प्रोग्राम खलियावास में था, वहां भी बहुत जोरदार स्वागत हुआ और अब हम लोग जीतपुरा गांव में पहुंचे। जीत ही जीत है, इतना स्वागत आज मुझे यहां पर मिला जीतपुरा गांव में। ऐसा महसूस हुआ कि आज ही जीत हो गई है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर गांव में जहां भी मैं जा रहा हूं भारी सहयोग लोगों का मिल रहा है हर जगह। और हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि भी हम हमारे जो विकास करवाया पिछले 25 सालों में जब कप्तान साहब विधायक रहे उसके नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। और जहां तक एक बीजेपी ने जिसको टिकट दिया वो एक भारी व्यक्ति है जिसका इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो हर जगह एक बात कह रहा हूं कि उनको जवाब देना चाहिए, जब उनके भाई उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उस बात का उनको खुलकर जवाब देना चाहिए। ये आप देख रहे हैं रोज़ कंपनियां बंद हो रही हैं, चाहे वो नेरोलैक कंपनी हो, आपकी मारुति कंपनी के अंदर एक वीकली ऑफ हो रहा है, उसकी मारुति के साथ सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। तो इससे हम देख रहे हैं रोज़ लोग निकल रहे हैं कंपनियों से। तो हमारी जब सरकार आएगी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि युवा साथियों को ज़्यादा ज़्यादा नौकरी मिले, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। 75 पार का नारा लगा रही है और पूरे हरियाणा की जनता बीजेपी बाहर का नारा लगा रही है। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा मिलनसार है, सुख दुख में साथ देते हैं। इनके पिता, इनके दादाजी भी थे, इनके पिताजी कप्तान अजय सिंह यादव है, चिरंजीव राव का बढ़िया है, पूरा सपोर्ट कर रहा है गांव इनकी और चिरंजीव राव का भव्य स्वागत किया गया। चिरंजीव राव को आश्वासन पूरे गांव बस्ती ने मिलके अच्छा आश्वासन दिया है, फूल मालों से स्वागत किया है, नोटों की मालाएं डाली है और गांव एक साथ में इनको वोट देने के लिए बहुत स्वागत किया और फूल मालाओं से अच्छा स्वागत किया। सारा गांव ने मिलकर आश्वासन दिया है कि यहां से जीत गांव से आपकी जीत होगी। कप्तान साहब ने जो विकास किया वो इतना अच्छा किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कप्तान साहब सबके सुख दुख में गांव में नहर से गांव रोड से रोड जोड़ा, सिंचाई, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, लड़कियों के लिए कॉलेज, बहुत ज़्यादा विकास किया। बीजेपी ने कुछ नहीं।